हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है आपका रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर है, जिसके दोस्तों ऐसा लेटर आया है जो किसी के पास नहीं आना चाहिए। कोई भी लड़का इसकी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि उसने 3 एग्ज़ाम यहाँ पर फाइट की है। यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड के अंदर 2 एग्ज़ाम और एक आपको साइको और मेडिकल और डीवी। यहाँ पर इतने प्रोसेस पूरा होने के बाद दोस्तों किसी के पास मेरे हिसाब से तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पर जो है होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप नेक्स्ट तैयारी करें, अगर आपका इसमें नहीं आता है तो हो सकता है आपको इससे अच्छी नौकरी मिल जाए, आरआरबी जेई मिल जाए या फिर कोई भी नौकरी है वो मिल जाए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अनफिट लेटर आ गया है दोस्तों, अभी भी मौका है। इनको एक काम है दिया है रेलवे ने, जो ये करते हैं तो इनको चांसेस है लास्ट, वरना दोस्तों इनको अनफिट और रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाहर। तो क्या कुछ आया है, कैसे क्या लिखा गया है, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये आपका अनफिट लेटर आया है जो आपका 16 अगस्त को डिस्पैच हुआ था वहाँ से, आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर वाले कैंडिडेट का है दोस्तों। लगभग सभी जोन यही आपकी प्रक्रिया अपना रहे हैं। कुछ जोन तो आपको ऑनलाइन अपील का फॉर्म दे देते हैं ताकि आप उसके अंदर आपका नाम रहता है, और कुछ जोन आपका ऑफलाइन कॉल लेटर देते हैं, और कुछ आपको जब आप 3 मेडिकल कमेटी में जाते हो तो वहाँ पर आपको री मेडिकल या फिर मेडिकल में फेल होने का अनफिल लेटर है वो वहाँ पर दे देते हैं। तो काफ़ी अलग अलग प्रोसेस होता है आरआरबी का। तो यहाँ पर ये जम्मू एंड श्रीनगर का है, तो आपका नाम यहाँ पर पूरी डिटेल्स है, जहाँ पर आपका एड्रेस, नाम, फादर्स नेम सारा कुछ है। तो सब्जेक्ट है आपका अनफिट अपॉन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एएलपी पोस्ट ऑफ CN01 2018 के अंदर। तो दोस्तों, मैंने इनकी जानकारी हाइड कर दी है। तो डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल फिरोजपुर के अंदर इनका मेडिकल था, और मेडिकल मेमो यहाँ पर दिया गया था नंबर, और 20 जून 2019 को दोस्तों यहाँ पर इनका मेडिकल था A1 B1 B2 C1। ये आपका प्रोसेस सब चल रहा है इसके अंदर। इसकी वैकेंसी है चारों कैटेगरी की, एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर, तो चारों के अंदर इसका मेडिकल था, और मेडिकल यहाँ पर इनका एएलपी और टेक्नीशियन का था दोस्तों। एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट हावियर यू यू हैज बीन डिक्लेयर अनफिट फॉर A1 B1 B2 एंड C1। तो सभी के अंदर इनको अनफिट कर दिया गया है, किसी एक स्टैंडर्ड में भी ये फिट नहीं थे तो इनको सभी में अनफिट किया गया है दोस्तों। और रिपोर्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पर इनके, और इनको 21 तारीख की अपडेट है दोस्तों ये, और डिविजनल मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल फिरोजपुर से इनको अनफिट लेटर है वो दे दिया गया है। अब यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, यू मे इफ़ डिसाइड सबमिट एन अपील एड्रेस टू प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर नॉर्थन रेलवे बरोडा हाउस न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, नॉर्थ रेलवे के अंडर में आपका जम्मू कश्मीर आता है, तो अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो और आप अपील करना चाहते हो तो आप इस एड्रेस पर 30 दिन के अंदर अंदर, जो डेट आपको दी गई है रिसीव की, यहाँ पर 16 अगस्त है तो 16 सितंबर तक यहाँ पर ये अपना वहाँ पर जारी कर सकते हैं, जो आपके साथ है वो सारा कुछ, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा लिखित हो कि हाँ ये इस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट है। और आपको 1000 रुपये का डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है यहाँ पर आरआरबी जम्मू के नाम से है। तो दोस्तों, ये अपडेट था, और यहाँ पर आप उनके सिग्नेचर है 3 पॉइंट के अंदर। तीसरे पॉइंट में ये है कि आपको 1000 रुपये का डीडी बनवाना है। 2 नंबर पॉइंट के अंदर अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं, और 1 नंबर के इसके अंदर आन की जानकारी दी गई है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड में फिट नहीं है। तो ये दोस्तों, ये लेटर आया है अनफिट का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं किसी के साथ नहीं हो ऐसा, क्योंकि इतना वेट करके बंदा जाता है तो उसको हार्ट तो होता ही है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, आप सभी के साथ शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।